बाकी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ डेट्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के अपडेट्स के बारे में। आपको बता दें कि हम आपको ऑलरेडी वीडियोस कुछ प्रोवाइड करवा चुके हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के लेटर्स पर, फिर भी बच्चों के डाउट, बच्चों के कन्फ्यूजन थे, उसके चलते दोबारा वीडियो अपलोड की है। ये वीडियो आखिरी वीडियो होगी, आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आप लोगों को फाइनल तक देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में आप लोगों को बता देंगे कि आप लोग अपना रोल नंबर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको PDF अपलोड भी करनी है A4 साइज पेज पर, कितने पेज का, बाकी जो भी सिस्टम है क्या रहेगा इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करें और आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाले समय की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले बताते हैं आप लोगों को रोल नंबर कैसे डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन आई है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि कंसर्न प्राइवेट कैंडिडेट जितने भी अंडर ग्रेजुएट फिफ्थ सेमेस्टर के, ध्यान रखें अंडर ग्रेजुएट प्राइवेट फिफ्थ सेमेस्टर के CBCS और सिक्स सेमेस्टर के CBCS एंड नॉन CBCS, सिक्स सेमेस्टर के CBCS और नॉन CBCS और फिफ्थ सेमेस्टर के CBCS जो तमाम बच्चे हैं उनके, देख सकते हैं उनके एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पर जारी हो गए हैं। उनकी डेट शीट अभी तक नहीं आई है, जैसे ही डेट शीट किसी कैंडिडेट्स की आती है और आप लोगों को कमेंट कर देना है साथ में। अगर हमें कुछ पता चला तो ज़रूर हम आपको कमेंट के जरिए बता देंगे। बाकी आपको बता देंगे अभी तक डेट शीट्स नहीं आई है बट रोल नंबर कुछ कैंडिडेट्स के निकले हैं। जिस कैंडिडेट का रोल नंबर निकला है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसका नहीं निकला है वो ट्राई करते रहें, उनका भी रोल नंबर कुछ दिनों में आ जाएगा। रोल नंबर कैसे निकालना होता है, कैसे रोल नंबर डाउनलोड करना होता है वेबसाइट से, क्योंकि अगर आप लोग नहीं हैं इन सेमेस्टर्स के फिर भी आप लोग सीख लें, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को भी डाउनलोड करना पड़ सकता है। देखते हैं प्राइवेट वाले कैंडिडेट कैसे डाउनलोड करते हैं, रेगुलर वालों को तो मिल जाता है कॉलेज में। चलते हैं गूगल पर, सिंपली लिखना है JUCC.in। जैसे आप लोग इस पर सर्च करोगे आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इंटरफेस खुल के आएगा तो आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड एडमिट कार्ड दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड पर। आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आप देख सकते हैं जहाँ पर आप लोग अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स है, उसके बाद सेलेक्ट सेमेस्टर, उसके बाद कौन से मंथ, ईयर ऑफ एग्ज़ाम और स्टूडेंट आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर या स्टूडेंट आईडी कुछ डालनी है। तो कोड फिल करने के बाद आप लोगों का रोल नंबर डाउनलोड हो जाएगा। फ़िलहाल अभी ट्राई करें फिफ्थ सेम वाले प्राइवेट और सिक्स सेम वाले सप्लीमेंट्री वाले CBCS और नॉन CBCS के बच्चे। कुछ बच्चों को हो रहा है जिसका डाउनलोड हो रहा है वो कमेंट करके बताएं, जिसका नहीं हो रहा वो वेट करें उनका भी हो जाएगा। बाकी आप लोग कॉलेज के कंसर्न में रहें। बाकी आप लोगों को PDF जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको कैसे अपलोड करनी है, क्योंकि काफ़ी कॉलेज हैं। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के रेगुलर वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर्स के रेगुलर वाले बच्चे, उनका लिंक आपके कॉलेज वाले देंगे, डेट शीट भी कॉलेज वाले देंगे, आप लोग PDF बना के अपलोड करनी है। PDF आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को PDF प्रॉपर तरीके से टाइम के अनुसार अपलोड कर देनी है और उसके बाद बाकी आप लोगों को वीडियो देख लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, कोर्स टाइटल लिखा हुआ होगा, RAD लिखा हुआ होगा, कोर्स कोड भी लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, ठीक है, आपकी सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, देखते जाना। जैसे ईमेल आईडी है, ठीक है, आप सबसे पहले ईमेल आईडी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका ये यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, क्लास रोल नंबर जो है इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल 112 आपका क्लास रोल नंबर है, ठीक है। ये भरते जाओगे फिर उसके बाद जो है आपका फॉर्म जो है ये आगे नहीं जाएगा। आपका मोबाइल नंबर फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए होगी, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो है अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक पे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी होगी। तो क्या जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, फॉर एग्जांपल इसमें जो दी है अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8, लेंथ ऑफ ईच क्वेश्चन आंसर शुड बी ओवर ऑन 400 टू 600 वर्ड्स। फिर उसके बाद आपको जो आपको आंसर शीट जो है PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी पड़ेगा, उसको एब्सेंट या फेल डिपार्टमेंट में यहाँ पे कॉलेज में सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से आप नेक्स्ट करोगे, आपको इस फॉर्म में भी लिखे होंगे लेकिन आपको अलग से क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आंसर शीट को अपलोड करना है, ठीक है। ये आंसर शीट सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ PDF फॉर्मेट में ही ये लेगा, जो दूसरे फॉर्मेट में होगी इमेज में होगी, अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड करोगे
क्लिक नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक कर, ठीक है, अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट, सबमिशन नहीं होगा। उसके बाद आपके पास ये होगा, ये लाइक इन्फॉर्मेशन, योर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड। जब आपका ये आपके पास आ गया, योर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड, आपको दोबारा सबमिट नहीं करना है, ठीक है, अपने घर से आपको देना है। ये जो एग्जाम है इसमें क्या होगा, इसमें एक जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, 8 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो A4 साइज वाइट शीट्स जो है वो लेके मार्केट से लेके जानी है। ये A4 वाइट शीट्स कौन सी होती हैं, जो 4th स्टेट में यूज होती हैं, बिल्कुल वाइट शीट्स लेनी है। और इस पर क्या करना है, हर एक वाइट शीट पे जो है नंबरिंग करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी आगे जितने भी यूज होंगे शीट्स उनको नंबरिंग करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको राइट हैंड कॉर्नर पे के टॉप पे जो है आपको ना अपना नाम और अपना सिग्नेचर करना है यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, हर एक पेज पे जो है अपना नाम और अपना सिग्नेचर जो है वो इसमें करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जब आपने अपना पूरा एग्ज़ाम लिख लिया, आपने सारी शीट्स जो लिख ली, आप उसको क्या करोगे, किसी ऐप से जो है स्कैनर जो है उससे जो है क्या करोगे, आप स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद आप क्या करोगे, उसकी ई फाइल बनाओगे, पीडीएफ बनाओगे, और उस पीडीएफ को क्या करना है, आपको आपने पीडीएफ का नाम देना, उसको रीनेम करना है। पहले क्या करोगे, अपना सेमेस्टर, फॉर एग्जांपल सेमेस्टर दिया स्लैश दी रोल नंबर फिर डैश और फिर स्कोर्स कोड, फॉर एग्जांपल सेमेस्टर फर्स्ट है, आप यहाँ पे लिखोगे सेमेस्टर फर्स्ट डैश रोल नंबर 114 है, 114 लिखोगे फिर डैश फिर जो आपके सब्जेक्ट का कोड होगा, ये कोड जो है कोर्स कोड जो है ये आपके सिलेबस में भी मेंशन होगा और आपके पेपर के पे भी आपको मेंशन किया जाएगा, ठीक है। ये आप इस नाम से जो है अपनी फाइल सेव करोगे, जो आपकी पीडीएफ बनेगी उस नाम से सेव करने के बाद, फिर आपको जो लिंक दिया जाएगा, आपको जो कॉलेज की तरफ से लिंक दिया जाएगा जहाँ पे बोला जाएगा आपको कहाँ पे शेयर करना है, आपको कहाँ पे अपलोड करना है, आप जो क्या करोगे अपलोड करोगे, ठीक है। ये सारा काम जो है आपका जो पेपर का टोटल टाइम जो है वो 3 घंटे का होगा, 3 घंटे के अंदर आपको अपना पेपर भी करना है, आपको स्कैन करना है और अपलोड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 9 o'clock आपकी टाइमिंग है, आपको 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जो है सारा काम ये करना है, 12 बजे से पहले पहले ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। इस चीज़ का पहले से ही ध्यान रखेंगे, आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे कैसे स्कैन करना है, कैसे अपलोड करना है, ठीक है, ये आप कैसे रीनेम करना है फाइल को, ये सब जो चीज़ें हैं आप पहले से ही जो है प्रैक्टिस करके रखेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उसके बाद जो है जितने भी आपका जितने भी आपने एग्ज़ाम्स दिए, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी जितने भी एग्ज़ाम्स दिए, उर्दू का दिया, पोल्ड साइंस का दिया, एजुकेशन का दिया, इन सब की जो ओरिजिनल जो शीट्स थी, जो आपने ओरिजिनल शीट्स जो आपने A4 साइज की ली थी, उन सब की हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फाइल बनानी है, और इन हर एक फाइल को विद इन 2 वर्किंग डेज में आपने अपने कॉलेज में आके इसको सबमिट करना है। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कैसे करना है। बाकी आपको बता दें किसी लेवल पर आप लोगों को कार्रवाई करनी है, मैक्सिमम बच्चे सीख भी गए हैं, जो आप लोगों को बता दें कि 1-2 एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि 26 से ऑलरेडी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, कुछ के बच्चे के एग्ज़ाम फर्स्ट से हैं और कुछ कठुआ GDC के 4 से हैं। आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने अपने एग्ज़ाम को अंजाम दें, और प्राइवेट वाले बच्चे अभी एग्ज़ाम नहीं आए हैं, आप लोगों के जल्द ही आप लोगों के एग्ज़ाम भी लिए जाने हैं ऑनलाइन तरीके से ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थोड़ी वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी।